एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और वीडियो, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है या नहीं, तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी, क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहा है हाँ या ना। अच्छा, मुझे आपका पर्सन काफ़ी स्नीकी लग रहा है राइट नाउ। आपको हो सकता है कि स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, हो सकता है कि फेक आईडी से आपको कांटेक्ट कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, आर यू ओपन टू डील विद अदर पीपल, या न्यू लव को ओपन अप कर रहे हो या नहीं। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एक्शन आपका पर्सन लेने वाला है या ले रहा है यू नो ऑलरेडी, जहाँ पर यू नो वो देखना चाह रहे हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इसलिए वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़े स्नीकी वे में। मुझे नहीं लग रहा कि उनमें गट्स हैं इतने राइट नाउ या करेज है इतना कि वो आपको डायरेक्ट अप्रोच कर सकें। रीज़न मल्टीपल हो सकते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए जो ये पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो सकता है कि ये आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑफर कुछ नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। शायद इस वजह से वो थोड़ा फियरफुल होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक्शन लेना चाह रहे हैं इन अ सीरियस वे और आपको कमिट करना चाह रहे हैं, या आपको आपके साथ अपने रिलेशनशिप को कंसिस्टेंट यू नो करना चाह रहे हैं, स्टेबल करना चाह रहे हैं। तो उसकी वजह से भी ये यू नो अपने जैसे होता है ना कि अपनी पूरी रिसर्च कर रहे हैं आपके ऊपर फिलहाल। सो उस तरह की एनर्जी भी हो सकती है कि इसीलिए वो आपको स्टॉक कर रहे हैं या डिफरेंट तरीके से आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, जस्ट टू सी कि आप कैसे रिस्पॉन्ड देते हो उनको। सो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली पर्सन आपको मिस कर रहा है या आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा स्नीकी वे में आ रहा है राइट नाउ। लेट्स सी के और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। थॉट्स आइसोलेटिंग, मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं उनके मन में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। थोड़ा क्लोज्ड ऑफ है लेकिन पर्सन, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपको मिस तो कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, उनको रास्ता नहीं दिख रहा है और काफ़ी हद तक शायद वो इस फीलिंग को एम्ब्रेस भी नहीं करना चाह रहे। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आइसोलेट हो रहे हैं, अकेला हो रहे हैं, अकेले इस पर टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं दो तीन रीजंस की वजह से। एक तो वो आपके बारे में सोचना चाह रहे हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाह रहे हैं, दूसरा आपकी तरफ यू नो एक्शन जो लेना चाह रहे हैं उसके बारे में सोचना चाह रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट करना चाह रहे हैं, आइडिया सोच रहे हैं कि किस तरह से वो अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड, यू हैव द स्टेबिलिटी एंड हार्मनी एंड फ्लो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन चाहता है कि इस रिलेशनशिप में फ्लो आए, स्टेबिलिटी आए, हार्मनी आए और सब कुछ स्मूथली हो जाए। आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से या तो उनकी ईगो हर्ट हो, आपकी ईगो हर्ट हो, या फिर अगर फैमिलीज को इन्वॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं अगर कोई यू नो वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि सारा कुछ स्मूथली हो जाए। ये भी एक रीज़न हो सकता है, स्पेशली अगर उनकी फैमिली अप्रूव नहीं कर रही आपके रिलेशनशिप को लेकर, तो वो चाहते हैं कि स्मूथली हो जाए सब कुछ, यू नो फैमिली मान जाए आसानी से। तो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करके वो अपनी फैमिली को यू नो इस रिलेशनशिप को लेकर उनका माइंड पिकअप कर सकते हैं। होल्ड ऑन, सो या द नेक्स्ट कार्ड इज अट्रैक्शन हॉट एंड मार्स। मुझे लगता है कि पर्सन आप में बहुत ज्यादा, आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड तो है ही। मुझे लगता है कि इसको लगता है जैसे यू नो ये पर्सन इसको लगता है कि यू आर परफेक्ट और इसीलिए वो आपको परसू भी करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम गिवन सर्कमस्टांसिस में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा करेज चाहिए टू टेक एक्शन आपकी तरफ बेसिकली। सो नेक्स्ट कार्ड इज, आप इनसे कुछ लोग एयर साइन हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर इन साइंस को डील कर रहे हो सकते हो। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो शायद आप उनको अवॉइड करोगे, शायद आप अपनी ज़िंदगी में या तो आगे बढ़ चुके हो या फिर उनको ऐसा फियर है कि शायद अब जो चीज़ें हैं आपके लिए शायद आपके एंड से शायद डिफरेंट हों कहीं ना कहीं आपके पर्सन। अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, एक बात कही कि आपके पर्सन फ्यूचर को अवॉइड करना चाहते हैं फॉर सम रीज़न, आप में से कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से पर्सन को फियर है कि वो आपको कुछ नहीं दे सकेगा
और वो उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता कि वो आपकी तरफ एक्शन ले इन अ वे जहां पर आप फिर से वही सब डिमांड करो जो वो नहीं देना चाह रहे. सो उस तरह की रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन जो है थोड़ा कंफर्ट जोन में भी है और कंफर्ट जोन में रहना चाहता है लेकिन आपको मिस करता है फॉर श्योर. लेट्स सी और क्या एनर्जीज है, क्या ये पर्सन आपको मिस करता है, डू दे मिस यू, लेट्स सी क्या ये पर्सन आपको मिस करता है नौकांता की सिचुएशन में. आपके साथ जो बिताए हुए गुड मोमेंट्स हैं डेफिनेटली ये पर्सन उसके बारे में सोचता है, उनको मिस करता है. वी टू हैव फोर ऑफ कॉइन्स, डेफिनेटली आपके ऊपर होल्ड ऑन कर रहा है पर्सन. आपके पर्सन हो सकता है कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से भी, मतलब उनको फाइनेंशियल एक जो सिक्योरिटी है वो फील नहीं हो रही है जिसकी वजह से वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते या आपसे शादी नहीं कर सकते. आपकी शायद डिमांड होगी कि आपका पर्सन चीजों को आगे लेकर जाए. हो सकता है कि आप एक दूसरे की फैमिलीज में भी मिले हुए हो बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन जो है वो नेक्स्ट स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं राइट नाउ, जिसकी वजह से हो सकता है आपका नो कॉन्टैक्ट हुआ हो या पर्सन जो है वो थोड़ा पुल अवे हुआ हो क्योंकि वो आपको यू नो राइट अवे कुछ नहीं दे सकते. अब ऐसी सिचुएशन में भी पर्सन को जो लगता है कि आप उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, इवन दो मनी मैटर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मटेरियलिस्टिक गोल्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उनकी एक्चुअल सिक्योरिटी हो, एक्चुअल स्टेबिलिटी हो, सो वो आपको जाने नहीं देना चाहते बट एट द सेम टाइम कुछ प्रॉमिस भी नहीं कर सकते. तो वो एक अजीब सिनेरियो में है पर्सन आपका, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो स्टक है इसके साथ. लेट्स सी कि और क्या है सिचुएशन. आपका पर्सन अगेन आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहता है, ब्रेक थ्रू चाहता है, एक नए वे से चीजों को लेकर जाना चाहता है, बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता मेजोरिटी लोगों के लिए पर्सन फिलहाल कुछ ऑफर कर सकता है, लेकिन वो आपके पास वापस क्योंकि आना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं बहाना, कहीं ना कोई तरीका ढूंढेगा आपसे बात करने का और आपके साथ इन टच होने का. इंटेंशन पर्सन की तो लग रही है कि वो चाहता है कि आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेकर जाए. गिवन सर्कमस्टांसिस में शायद थोड़ा टाइम डिमांड करेगा, आपको होप देगा, यू नो एक उम्मीद देगा कि आने वाले टाइम में चीजें बेहतर हो जाएंगी. जस्ट बी विद मी ऐसे करके कोई मैसेज जरूर पर्सन की तरफ से आएगा आपके लिए आने वाले टाइम्स में. लेट्स सी कि और क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के, आपके लिए क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे. आई एम अ वेरी जेलस पर्सन, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो बहुत ज्यादा जेलस किस्म का इंसान है. वो शायद आपको दूसरे लोगों के साथ जब देखता है या आपकी कम्युनिकेशन होते देखता है सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हुए तो बहुत ज्यादा जेलस होते हैं. आई होप यू विल वेट फॉर मी, आपका पर्सन होप करता है, विश करता है, डिजायर करता है कि आप उसका इंतजार करो. आई मीन दैट वी टू हैव आई मिस यू टू यू, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको मिस कर रहा है, क्या आप भी उसे मिस करते हो या नहीं. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और अगर पर्सनलाइज्ड सर्विसेज चाहिए तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट. चलिए नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय.